श्रीवास्तव और आज मैं नींबू पानी बनाने जा रही हूँ, जिसको ना लेमोनेड भी कहा जाता है इंग्लिश में। हाँ तो चलिए अब हम देखते हैं। और ना खास बात, ये बनाना बहुत आसान होता है, मेरा फेवरेट जूस है ये। फिर भी चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे ही व्रत के समय भी पिया जाता है। तो ना अभी तो नौ रात चल रहे, जैसे कि उधर भी 9 दिन तक व्रत रखते हैं, तो आप लोग भी पी लीजिए, आप लोग भी बना लीजिएगा और पीजिएगा इस कारण, क्योंकि ना फिर आपके पास एनर्जी भी बहुत आएगी और आपको ये डिश बनानी भी आएगी। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास है कप पानी है, हाँ वाटर्स, हाँ थोड़ी सी चीनी है और एक नींबू है। हाँ तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आप नींबू देख रहे हैं है ना, हम नींबू को रखेंगे और उसको उस पानी में डाल देंगे, उसका रस निकाल देंगे। पानी अब थोड़ा सा बचा हो तो इसमें से ऐसे कर देंगे, तो ऐसे में भी निकल जाएगा। अगर थोड़ा सा बहुत बचा होता है तो उससे नहीं निकलता, इस कारण मैंने इससे निकाला है। तो चलिए गाइस, अब मैंने बना लिया है वो। अब मैं उसमें ना थोड़ी सी चीनी डालूंगी। एक्चुअली लोग कम खाते हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा चीनी लेती हूँ। शुगर, इंग्लिश में इसको शुगर कहते हैं, मैं बहुत खाती हूँ, उसका मैंने ज़्यादा लिया है। अब हम उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाँ तो गाइस देखिए, अब मैंने अब मिक्स कर लिया है ना, तो हमारा तो बन गया। देखिए, मैंने एक नींबू लिया हुआ था और एक नाइफ। अब मैं नींबू को काट दूंगी, उसको यहाँ पे मैं, तो चलिए गाइस, मैंने एक नींबू काट लिया है, उसको ना थोड़ा सा मैंने ना नाइफ से ना बीच में भी कट लगा लिया। तो चलिए, अब मैंने ये लगा दिया, आप चाहें तो करिए। तो मैंने एक स्ट्रॉ भी रखी थी, क्योंकि मैं स्ट्रॉ भी रखूँगी। और अब ये स्पून मैंने हटा दिया, ये स्ट्रॉ। अब ये एकदम बन गया, जैसे गोवा में जाते हैं तो मिलता है ना, एकदम अब वैसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस, ये बहुत टेस्टी होता है, आप भी बनाइएगा और जल्दी पीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगी आपको साथ। तो चलिए गाइस, अब बाय बाय। हाय गाइस, माय नेम इज आदिका श्रीवास्तव और आज मैं नींबू पानी बनाने जा रही हूँ, जिसको ना लेमोनेड भी कहा जाता है इंग्लिश में। हाँ तो चलिए अब हम देखते हैं। और ना खास बात, ये बनाना बहुत आसान होता है, मेरा फेवरेट जूस है ये। फिर भी चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे ही व्रत के समय भी पिया जाता है। तो ना अभी तो नौ रात चल रहे, जैसे कि उधर भी 9 दिन तक व्रत रखते हैं, तो आप लोग भी पी लीजिए, आप लोग भी बना लीजिए और पीजिएगा इस कारण, क्योंकि ना फिर आपके पास एनर्जी भी बहुत आएगी और आपको ये डिश बनानी भी आएगी। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास है कप पानी है, हाँ वाटर्स, हाँ थोड़ी सी चीनी है और एक नींबू है। हाँ तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आप नींबू देख रहे हैं है ना, हम नींबू को रखेंगे और उसको उस पानी में डाल देंगे, उसका रस निकाल देंगे। वो पानी थोड़ा सा बचा हो तो इसमें से ऐसे कर देंगे, तो ऐसे में भी निकल जाएगा। अगर थोड़ा सा बहुत बचा होता है तो उससे नहीं निकलता, इस कारण मैंने इससे निकाला है। तो चलिए गाइस, अब मैंने बना लिया है वो। अब मैं उसमें ना थोड़ी सी चीनी डालूंगी। एक्चुअली लोग कम खाते हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा चीनी लेती हूँ। शुगर, इंग्लिश में इसको शुगर कहते हैं,
मैं बहुत खाती हूँ, उसका मैंने ज्यादा लिया है। अब हम उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाँ तो गाइस देखिए, अब मैंने अब मिक्स कर लिया है ना, तो हमारा तो बन गया। देखिए ये मैंने एक नींबू लिया हुआ था और एक नाइफ। अब मैं नींबू को काट दूंगी, उसको यहाँ पे मैं तो चलिए गाइस, मैंने एक नींबू काट लिया है, उसको ना थोड़ा सा मैंने ना नाइफ से ना बीच में भी कट लगा लिया। तो चलिए अब मैंने ये लगा दिया, आप चाहे तो करिए। तो मैंने एक स्ट्रॉ भी रखी थी, क्योंकि मैं स्ट्रॉ भी रखूंगी। और अब ये स्पून मैंने हटा दिया, ये स्ट्रॉ। अब ये एकदम बन गया, जैसे गोवा में जाते हैं तो मिलता है ना, एकदम अब वैसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस, ये बहुत टेस्टी होता है, आप भी बनाइएगा और जल्दी पीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगी आपको साथ। तो चलिए गाइस, अब बाय।